लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये तो बड़ी खतरनाक खबर है गीता, इसका मतलब है कि लाशों के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। हाँ, और मैं उस गैंग के गुंडों से अपनी जान बचा कर आ रही हूँ। लेकिन लाशें गायब क्यों करते हैं ये लोग, क्या करते होंगे लाशों का? वो क्या करते हैं ये भी आज रात पता चल जाएगा। वो लोग मंकी हिल ग्रेवयार्ड से एक और लाश गायब करने वाले हैं। स्टोरी तो सचमुच सनसनीखेज है, लेकिन गीता तुम जानती हो मुझे सबूत चाहिए, सबूत। सर, सबूत के लिए एक स्टाफ फोटोग्राफर तो चाहिए। ओ, फोटोग्राफर, हाँ ठीक याद आया। आज सुबह में एक फोटोग्राफर इंटरव्यू देने के लिए आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं। तुम चाहो तो उसका इंटरव्यू ले लो और अच्छा लगे तो काम पे रख लेना। क्या नाम है उसका? कुछ अजीब सा नाम है, कुछ धरपकड़ जैसा या कुछ बंटा धर, नहीं तो घंटा घर, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। कहीं गंगाधर तो नहीं? गंगाधर नहीं, गंगाधर नहीं, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट चिखोली, जिला। ये आपका नाम है या पोस्टल एड्रेस? जी नहीं, ये हमारा नाम नहीं, ये तो हमारा उपनाम है। घर में प्रेम से सभी हमें ऐसे बुलाते हैं। वैसे हमारा नाम बहुत विस्तृत है, आप कहीं तो हम बताएं आपको। जी, 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 बस हो गया, ये काफी हो चुका है। मैडम आपका अंदर इंतजार कर रही है, आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर शास्त्री, व्हाट द स्वीट नेम। जी धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? कामिनी। कामिनी, काम 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 मांगने आए हैं, एडिटर महोदय ने हमें आमंत्रित किया है, चलते हैं हम। क्या हम प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं? श्योर, आइए। आप जानते हैं आप कितने लेट आए? पूरे 2 घंटे। अरे हम तो वास्तव में नियत समय पर उपलब्ध हो गए थे, पर क्या करें, एक विपत्तियों की देवी ने हमारे प्राणों को ऐसे संकट में डाल दिया कि वहां से निकलना ही दुर्लभ हो गया था। एक विपत्तियों की देवी ने? जी हाँ, हम तो उस सुंदरी को अबला समझकर उसकी सहायता करने को पहुंचे थे, मगर उसने तो हमारी बुद्धि का तबला बना के रख दिया। ओ, तो वो सुंदरी थी? जी हाँ, सुंदरी कह सकते हैं, यूं तो सुंदरता दृष्टि में होती है। हमें तो बकरी भी सुंदर लगती है, भैंस भी सुंदर लगती है, वरना हम ठहरे ब्रह्मचारी, कहां हम कहां नारी। हम तो नारी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो उस विपत्तियों की देवी को देखते ही आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी? जी हाँ, अंत तो करनी पड़ी। जब खोला हम सोए थे, हमारी आंखें खुल गई, यानी कि हम जाते। और वो विपत्तियों की देवी? क्यों परिहास करती है, क्यों उपहास बनाती है हमारा? अब हमारा क्या लेना किसी देवी जी से? जी हाँ, हम तो यहाँ पर सेवा नियुक्ति हेतु आए थे, अब हमें क्या पता था कि यहाँ भी आपसे भेंट हो जाएगी। आप क्या सेवा करना चाहते हैं, यानी आप क्या क्या जानते हैं? जी बहुत कुछ जानते, खाना पकाना जानते, गाना गाना जानते, पतंग उड़ाना जानते। मेरा मतलब है फोटोग्राफी के बारे में क्या जानते हैं आप? आपका मतलब छायाचित्र से है? अरे हमने तो उस पर एक किताब लिखी थी कि फोटो कैसे खींचे। इंटरेस्टिंग, क्या लिखा है उसमें? यही कि फोटो कैसे खींचे। कैसे खींचे? जैसे खींचते, कैमरा आंखों से लगाया, निशाना लगाया, क्लिक किया, अति सरल। क्या बात है, ये बात तो किसी को भी पता नहीं होगी, है ना? अरे हमने तो फोटो खिंचवाने पर भी एक पुस्तक लिखी थी, फोटो कैसे खिंचवाएं, समझी? फोटो कैसे खिंचवाएं? जी हाँ, जैसे हमेशा खिंचवाते हैं, बस कैमरे के सामने खड़े हो जाए, बस। जी नहीं, देवी जी इसका भी एक सिद्धांत है। पहले देखें कि जहां कोई किसी की फोटो उतार रहा हो, अंतिम क्षण में बीच में घुस जाए, मुस्कुराए, फोटो क्लिक हुआ, फोटो खिंच गई, वो भी मुफ्त। वाह, आपने तो बड़ी अच्छी किताबें लिखी है। परंतु तो दुर्भाग्य है कि एक भी किताब छपी नहीं। एक पुस्तक लिख रहे हैं, ये पुस्तक कैसे छपता है? पुस्तक का बाद में छपाइएगा, पहले ये बताइए कि आप फोटो खींचना जानते हैं या नहीं।
जी हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है, बस क्या है कि वो क्लिक करते समय वो हाथ थोड़ा सा हिल जाता है। मेरे ख्याल से आपका दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ है। क्लिक करते हुए अगर हाथ हिल जाता है तो फोटो क्या खाक आता होगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। देखिए देवी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये देखिए, ये फोटो हमने खींची है। ये फोटो तुमने खींची? मुझे विश्वास नहीं होता। ना, मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये फोटो भी मैंने ही खींची है। अच्छी खासी फोटो है। तो हमारी नौकरी पक्की? नहीं, तुम्हें ये नौकरी एक कंडीशन पर मिलेगी। आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। रात को? हाँ, वो तुम्हारा ट्रायल होगा। अगर पास हो गए तो नौकरी मिलेगी, वरना नहीं। लेकिन जाना कहाँ होगा? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? क्या एक साथ इतनी लाशें गए? जी साहब, और वो सब है ना, कल रात को ही कब्रिस्तान में दफन हुआ था। साहब मेरे को तो लगता है अपना शहर के ऊपर है ना भूत का आतंक फैलने वाला है। पता नहीं ये कैसा आतंक है। हेलो, यस सर। ये कैसा आतंक फैला है तुम्हारे इलाके में? सर वो कई दिनों से लाई जा रही है, कल तो पूरे शहर की लाइट गुल हो गई थी। पता करो कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है सर, पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा आदमी है जिसे प्रेस वाले शक्तिमान कहते हैं, कल रात भर वो संकट में फंसे लोगों की मदद करता रहा। ये ठीक है कि वो लोगों की भलाई करता रहा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन है और कहां से आया है। यस सर। मुझे जल्दी रिपोर्ट करो। ओके सर। भिंडे भिंडे, ये क्या हो रहा है? कौन है ये शक्तिमान? कहीं वही तो लाइट की चोरी नहीं कर रहा है? हाँ साहब, अपने तो अपनी आंखों से देखे लाए। साहब अपन को लगता है अपने शहर के ऊपर है ना कोई बुरी चुड़ैल का साया पड़े लाए। साहब मैं तो बोलता है तुम भी है ना गंडे बाबा का ताबीज पहन लो। ये देखो अपने तो पहन लिया ना। क्या भिंडे भिंडे, हमें पता लगाना है कि कैसा चमत्कार है, इस चमत्कार का मकसद क्या है। देख के चलो ना। दिखाई नहीं दे रहा देवी। आंखें बंद है, है? फिर भी नहीं दिखाई दे रहा देवी। चश्मा नहीं पहना है। हाँ देवी जी, अब दिखाई दे रहा है, मेरा लेंस को अब दे रहा है। चल बस एक बात बता दीजिए देवी जी। शुँ। शुँ। बस एक बात बता दीजिए देवी जी, क्या आप भूत प्रेतों की प्रजाति से संबंध रखती हैं? मतलब ये कि हमेशा आपका पाला भूत प्रेतों से क्यों पड़ा रहता है? नहीं, कभी कभी मेरा पाला पुल्लुओं से भी पड़ जाता है। पुल्लू? कौन? कहाँ? हम? देखे देवी जी, हम उल्लू नहीं है, अब हमें क्या? गंगाधर तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं देवी जी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से निकलो। देवी जी हमारी सहायता तो कीजिए। अरे इसमें तो कॉफ़िन है। कफन पे खड़े हुए थे, लगता है कोई आ रहा है। चलो चलो छिप जाओ। खुली कब्र, फ्रेश कॉफिन, ये लोग जरूर लाश चुराने वाले होंगे, हमें सावधान रहना होगा। सावधान तो हम हैं देवी जी, परंतु हमारे समय में ये नहीं आता कि ये लोग मृतदेह क्यों चुराते हैं। जरूर भूत पिशाच के रिश्तेदार होंगे। पिशाच के रिश्तेदार होंगे ये? देखो जब तक मैं न कहूं तुम एक लफ्ज मत बोलना। हमारी बोलती तो वैसे ही पहले से बंद। मृतदेह चुराने की जरूरत क्या?
मैं वहां जा रही हूं, तुम यहीं रहना और मुंह बंद। Come on, hurry up. जल्दी करो, जल्दी करो। टोनी भाई, ये छोकरी छुप के हमारी जासूसी कर रही थी। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन अस्पताल से भागी थी। इसका मतलब ये है ये अकेली नहीं होगी, इसका बॉस भी इसके साथ होगा। जाओ ढूंढो उसे। भाई, इसके पास से ये प्रेस कार्ड मिला है। अच्छा तो रिपोर्टर है। टोनी भाई वहां तो कोई नहीं है, अब इसका क्या करें? कोई बात नहीं, इसे भी हम अपने साथ ले चलेंगे। डॉक्टर देखेगा तो जरूर खुश होगा, वो इसका इलेक्ट्रिक वुमन बना देगा। टोनी भाई, वुमन आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। भागते भूत की लंगोटी सही। अंदर तो चलो डार्लिंग, सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम जमीन में 200 फीट नीचे जा रहे हैं। मुझे हाथ मत लगाना। ओहो बेटा, लड़की जितनी शानदार है उतनी जानदार भी है। मैंने कहा ना अपने गंदे हाथ दूर रखो, दोबारा मुझे हाथ लगाया तो क्या कर लेगी? चीखेगी, चिल्लाएगी। चीखो, चिल्लाओ, यहां तुम्हारी चीखें सुनने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैं सब सुन रहा हूं। वो क्या है, देवी जी ने मुझे चुप रहने को कहा था, इसीलिए मैं चुप था। इन यमदूतों से बचने के लिए छिपे थे। लेकिन इस कॉफिन में तो लाश थी। यमदूत भाई, आप कदाचित गलत समझ रहे हैं। उन मृत देह जो आप ला रहे थे वो तो वहीं रह गई। शट अप। वो नहीं तो हम तुम्हारी बॉडी से काम चला लेंगे।